सब्सक्राइब करें इंडियन टेक गुरुकुल चैनल को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले बेस्ट टेक वीडियोस देखने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनोवो लीजन वाई 700 टैबलेट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत जल्द आपको लिनोवो की तरफ से गेमिंग टैबलेट देखने को मिलने वाली है और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले लिनोवो लीजन वाई 700 की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 8.8 इंच की एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो कि दोस्तों ट्रू गेमिंग डिस्प्ले होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब दोस्तों जनरली टैबलेट्स के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का नॉर्मल सा रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा स्मूथनिंग महसूस होगी जब आप इस टैबलेट की डिस्प्ले को यूज करेंगे। और दोस्तों यहां पर आपको गेमिंग के लिए स्पेशली 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। जब दोस्तों आप टच वगैरह करेंगे गेमिंग के दौरान, तो यहां पर आपको काफी जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए यहां पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले दी गई है गेमिंग के हिसाब से। बाकी दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 8 जेन 1 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों ये फ्लेक्सिबल एसओसी है स्नैपड्रैगन की तरफ से। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही जाएगी। आप चाहे पबजी खेलें या फिर सीओडी खेलें, कोई भी गेमिंग करें, आप यहां पर जो मैक्सिमम ग्राफिक्स होते हैं वहां पर आप खेल सकते हैं। फुल एचडी ग्राफिक्स वगैरह में भी खेल सकते हैं, एचडीआर वगैरह में भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली गेमिंग के लिए ही डिजाइन की जा रही है टैबलेट। तो इसके अंदर आपको गेमिंग मोड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा लिनोवो की तरफ से। तो ओवरऑल काफी ज्यादा पावरफुल टैबलेट ही होने वाली है। कॉम्पैक्ट सा साइज इसलिए दिया गया है क्योंकि ताकि आप गेमिंग इजी तरीके से कर पाए। तो दोस्तों ये ट्रूली गेमिंग के लिए ही लिनोवो इसको डिजाइन कर रहे हैं। बाकी दोस्तों बात करें इसके कुछ और चीजों की, तो यहां पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। क्वैड स्पीकर का सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर आप गेमिंग करें तो आपको अच्छा खासा साउंड एक्सपीरियंस भी इसके अंदर देखने को मिले। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ यहां पर आपको 5.2 देखने को मिल जाएगा, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। पर अगर आपके पास अच्छे वाले नेक बैंड है तो आपको ट्रू वायरलेस साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। आपको रियल टाइम जो आपकी साउंड है वो यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी ब्लूटूथ के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप से लिनोवो लीजन टैबलेट आने वाली है। अभी दोस्तों ये चाइना में इसका बेसिकली रेंडर्स निकल कर आ गए हैं। ये चाइना में पहले लॉन्च होगी, इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं होगी इस चीज का भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है मैं आपको बताऊंगा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अप्रोक्स आपको 30,000 से 40,000 रुपीज के बीच में ये देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट हो जाएगी अगर इस प्राइसिंग पर ये आती है इंडिया में। मैं बोलूँ अगर 40,000 में भी आती है तो वन ऑफ द बेस्ट किलर टैबलेट हो जाएगी, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाली टैबलेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है। भले ही ये गेमिंग के पर्पज से आए, लेकिन दोस्तों आप इसको वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी यूज करेंगे तो काफी ज्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस टैबलेट में। तो दोस्तों देखते हैं कब लिनोवो लीजन वाई 700 लॉन्च होती है इंडिया में, और चाइना में तो बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है, इसकी डेट ऑलमोस्ट निकल कर आ ही गई है। तो देखते हैं कि क्या इसकी फुल स्पेसिफिकेशन होगी, लेकिन दोस्तों फर्स्ट लुक में तो काफी ज्यादा अच्छी टैबलेट देखने को मिल रही है लिनोवो की तरफ से। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और टैबलेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।